लोकसभा चुनाव की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अभी तक कई सीटों पर सियासी दलों ने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण सीट कन्नौज भी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया है, पर अभी तक सपा ने नहीं उतारा है। लेकिन सूत्रों से सीट से एक बार फिर सपा के मुखिया अखिलेश यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। एक बार पहले भी उनके नाम की चर्चा उठी थी, लेकिन बाद में पता चला था कि चुनाव में इस बार अखिलेश पार्टी की बागडोर संभालेंगे, जिसके बाद ये चर्चा खत्म हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से कन्नौज सीट से उनका नाम तेजी से उठ रहा है, ये दावा सूत्रों ने किया है। खबर है कि अब पार्टी के पास कन्नौज से प्रत्याशी पर मंथन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार को कन्नौज दौरे पर रहे। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक की, जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए। सूत्रों का दावा तो यहाँ तक है कि अखिलेश यादव के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है और 23 अप्रैल को अखिलेश कन्नौज सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से सपा 1998 से 2014 तक लगातार सभी चुनाव जीतती आई है। यहां से अखिलेश और डिंपल दोनों सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को शिकस्त दे दी थी। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा की ओर से अकील अहमद को टिकट दिया गया है, लेकिन अब जल्द सपा उम्मीदवार की घोषणा की उम्मीद है। बता दें कन्नौज सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।